आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रैंकशाफ्ट सेंसर के ट्रैक में कंपोनेंट्स क्यों लगे होते हैं। आप लोग कार का ईसीएम, ट्रक का ईसीएम, पेट्रोल का ईसीएम, डीजल का ईसीएम, मोटरसाइकिल का ईसीएम, अर्थ मूविंग मशीन का ईसीएम, ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि इन सभी जिसका मैंने नाम लिया व्हीकल्स का, इंजन के ऊपर जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर किसी भी व्हीकल में लगा हुआ है, अगर उस सेंसर के अंदर ये कॉइल है, ये क्या ये दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर क्या है क्रैंकशाफ्ट सेंसर के अंदर कॉइल, यदि कॉइल है तो कॉइल को बढ़ाया कैसे गया, कॉइल बढ़ाई कैसे जाती है, ये क्या है, अगर इस वायर को मैं ऐसे टर्न कर दूंगा तो ये क्या बढ़ जाएगी, पहले इसके कितने पोल है, एक और इसमें कितने हैं, जब आप क्वाइल को टर्न कर दोगे तो वो क्वाइल बढ़ गई, जब एक वायर को टर्न दे देंगे तो क्या बढ़ गई, वो जब हम लोग इसको यहां पे पॉजिटिव देंगे और दूसरी साइड यहां पे पावर देने, क्या देना पड़ेगा, जब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव इस वायर में छोड़ दिया तो इसमें क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इस मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक काम लिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक पावर का काम करती है, यदि हम लोग इसको राउंड दे देंगे ये तो पावर क्या हो जाएगी यहां पे, यस यहां पे देखो लाइन बड़ी हो गई, बढ़ गई, अब इस पावर से काम लिया जाए, अब इस पावर से क्या लिया जाए, एक सिग्नल के रूप में इसको यूज किया जाए, सिग्नल के रूप में, अब इस पावर को यहां तक पावर बनाने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी साइड से क्या देना पड़ेगा, इधर मैंने नेगेटिव देने के लिए क्या लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वोल्टेज को क्या किया, पावर जो करंट की पावर है उसको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, क्यों कर दिया जाए, यदि मैं यहां रजिस्टर नहीं लगाऊंगा रजिस्टर तो क्या होगा, ये वायर जल जाएगी, ये आप बैटरी के ऊपर लगाकर वायर चेक, गर्म हो जाएगी, जल जाएगी, तो क्या लगाना पड़ेगा, तो इधर लगा देते हैं, मैं यहां पे एक क्या लगा रहा हूं, लो जी ये मैंने यहां पे क्या लगा दिया, मैंने अब पावर को भी कम कर दिया और नेगेटिव को भी कम कर दिया, दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, रजिस्टर लगाया। अब आ जाओ ये रजिस्टर इस ट्रैक में, जब आप लोग ट्रेसिंग करते हो इसमें क्रैंकशाफ्ट की दो पिने है, कितने नंबर पे है, एक 74, ये मैक्सिमो और मैक्सी ट्रक की बात कर रहा हूं मैं, ईसीएम के अंदर मैक्सिमो और मैक्सी ट्रक, ये दोनों एक 74 नंबर पिन है, एक तरफ कौन सी है, अब इसमें 1002 की दो रेजिस्टेंस से लगी है ये, अब ये दोनों ही कहां पे लगी है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ, तो ये क्यों लगाई गई पता लग गया, करंट के फ्लो को कम करने के लिए, कम करने के लिए, ये दोनों रजिस्टर समझ में आई। अब आ जाओ आगे, अगर इस कॉइल को हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दे देते हैं, ये आगे किस आईसी से कनेक्ट है, यहां पे मैं एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर आईसी, इतनी बात समझ में आई कि यहां पे ये 1002 की रेजिस्टेंस क्यों लगी है, समझ में आई, क्लियर। अब आ जाओ, अब हमने इग्निशन को ऑन किया, उसके बाद मैंने इग्निशन को क्या कर दिया, गाड़ी के उसके बल्ब के अंदर कितना समय क्या चार्ज रहता है ना,
चार्ज रहता था ना, उस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या लगाना पड़ा, लगानी पड़ी ना। अगर हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी से क्या करना है, खत्म करना है, तो इसके ट्रैक में क्या लगाना पड़ेगा, एक, फिर क्या लगानी पड़ेगी, दो, दो रजिस्टर लगाई गई। क्यों लगाई गई, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने के लिए। अब एनपीसी क्यों लगाया गया, एक आप लोगों ने बोला सेफ्टी, वेरी गुड, यहां पे एनपीसी लगा देते हैं। सेफ्टी ऑफ, यस, और दूसरा इसका काम आज मैं आपको और लिखवा रहा हूं, यह सिग्नल को या वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, उसकी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए ये कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा, साधारण मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको जीरो दिखाएगा, अगर आप हाई थोड़ा परचेज करोगे तो वो आपको इसकी वैल्यू बताएगा। सेफ्टी और दूसरा प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, बस दो काम। अब ये एनपीसी लगाया गया, दो रजिस्टर आपको क्लियर हो गई। अब ये बल्ब मैं एक बार फिर दोबारा आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकल। ये बल्ब जो हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक चार्ज है, या चार्ज है, इस तरह एक कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है, जैसे बल्ब ऑन है ना, हमने तो स्विच से निकाल दिया इसको, तो इसके अंदर चार्ज मौजूद रहता है। ऐसे ही हमारी कॉयल है, कॉयल के अंदर ये चार्ज स्टोर रह जाएगा। इस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या लगाया गया, समझ में आया। अब ये रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर्स दुनिया के किसी भी ईसीएम में क्यों लगाई जाएंगी, किसी को आंसर क्लियर है। ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये दुनिया के किसी भी ईसीएम के अंदर क्यों लगाए जाएंगे, इसका आंसर कोई दे सकता है, हाथ खड़ा करो, एक दो तीन चार पांच, वेरी गुड। ये ट्रैक्स में ये कंपोनेंट्स लगाए गए, क्यों लगाए गए, वेरी गुड। इधर भी दिखाओ सर, बहुत, ये कंपोनेंट्स एक दो तीन चार पांच, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर जिसके दिल में था वो भी सुनो, जिसने हाथ खड़ा किया वो भी, बहुत बढ़िया। जब ही गाड़ी के अंदर जो सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, उसमें कॉयल है, तो अंदर ये कंपोनेंट क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। यदि क्वाइल को आप सीधा ये कंपोनेंट नहीं लगाओगे तो ये कंपोनेंट वोल्टेज को रिड्यूस नहीं करेगा, आग लग जाएगी, सेंसर जल जाएगा। आप 12 वोल्ट देकर तो देखो किसी क्वाइल को, ये प्रैक्टिकल करके देखना, एक क्वाइल बनाना वायर की इसी तरह, और सीधा लगाकर यदि हम लोग देखेंगे गर्म हो जाएगी, आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। फिर उसके ट्रैक में क्या लगाओ, रजिस्टर मैं दूंगा आपको, रजिस्टर लगाकर देखो, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, करंट के फ्लो को कम कर दिया। अब दुनिया के किसी भी इंजन के ऊपर यदि क्रैंकशाफ्ट सेंसर के अंदर कॉइल है, तो अंदर ट्रैक कैसा बनाई दिखाई देगा, बना हुआ दिखाई देगा। अब ये क्लियर है, अब इसमें वोल्टेज कितनी आएगी, देखो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, 2.5, और दूसरी तरफ से कितनी नेगेटिव वोल्टेज, और नेगेटिव क्या है, कम है, कौन दे रहा है। अब देखो एक और तरफ चलते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया व्हीकल्स के ऊपर काम करने के बाद, मैंने देखा जिस इंजन के ऊपर जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है उसके अंदर क्या है, कॉइल है। फॉर एग्जांपल
स्कॉर्पियो महिंद्रा की जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके क्रैंकशाफ्ट सेंसर में क्या है, हुंडई के जितने भी मॉडल्स हैं i20 वरना प्रूडी जिसमें सेंसर कॉइल है, फोर्ड एंडेवर अर्थ मूविंग मशीन स्कॉर्पियो वाला सेंसर लगा है, ट्रक्स टाटा अशोक लेलैंड जितने भी व्हीकल्स हैं, यदि मैंने जो देखा जो मैंने गाड़ियों पे आपको नेम ये कंपनियों के इसमें तकरीबन 60-70% गाड़ियां आ गई। क्रैंकशाफ्ट सेंसर में क्या होता है और सब में वोल्टेज कितनी होती है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि किसी इंजन के ऊपर क्रैंकशाफ्ट सेंसर में कॉइल है तो वोल्टेज कितनी आएगी, ये हो सकता है -12 दिखाए क्योंकि इसके अंदर एम्पियर को कम कर दिया गया। ये फिर बात करेंगे कैसे, मतलब इतनी गाड़ियों के क्रैंकशाफ्ट सेंसर को याद करने की जरूरत नहीं भी कितनी वोल्टेज होगी। आप सेंसर देखो इस तरह का है, किसी में वायर लगी हुई है तो वोल्टेज तकरीबन एक एस्टीमेटेड वोल्टेज कितनी आएगी, मारुति की स्विफ्ट कार है उसमें भी कॉइल है, आप सेंसर को खुद बना सकते हो क्योंकि क्या क्या है उसके अंदर ये फिर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब ये आपको समझ में आया क्रैंकशाफ्ट सेंसर के ट्रैक्स में लगे कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं और क्यों लगाए गए हैं, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ओके, थैंक यू।